कर रहे हैं, हम क्यों नहीं कर सकते? जनसभा को कौन रोक रहा है? आप लोग रोक रहे हैं, आप लोग लोग रोक रहे हैं। परमिशन कहाँ से? यही तो सब लोग बैठे हुए हैं, सब अंदर बैठे हुए। परमिशन तो देने वाला हमारे हाथ में क्या है सर? हम लोग भी कक्षा दो तक पढ़े हैं, कुछ जानते हैं। नहीं एनओसी का, आप बोलते उधर जाओ, वो बोलते उधर जाओ, बोलते उधर, बोले पैसा जमा कर दो, बाद में ऊपर से फोन आ जा रहा। अभी तो दिन से घुमा रहे हैं, पांच दिन से घुमा रहे हैं, छह दिन से घुमा रहे हैं। अब ऊपर से किसका प्रेशर है वो बता दे भैया। योगी जी का प्रेशर है, मोदी जी का प्रेशर है, किसका प्रेशर है वो भी नहीं बता रहे। इतने खौफजदा है क्यों इस हिसाब से, मेरे समझ में नहीं आ रहा है। यहाँ का प्रशासन बाद में गड़बड़ कर रहे हैं। अभी चाय वाय दिलवा दीजिए साहब, आप माजिद भाई बोलो। मैं डाल दे रहा हूँ, लाइव चल रही। हाँ बिल्कुल बोलिए। यह हमारा काफिला शोषित वंचित के नाम से गाजियाबाद से शुरू हुआ। गाजियाबाद में परमिशन मिली, पुलिस ने कॉपरेट किया, एक बड़ी जनसभा को हमने किया वहाँ। उसके बाद हमारा काफिला वहाँ से चला और मेरठ आया। मेरठ में किठौर में हमने एक बड़ी जनसभा की। शोषित और वंचित जो लोग हैं, हम उनको चाहते हैं कि वो हमसे जुड़े। हमसे जब जुड़ेंगे तो उनके हक अधिकार उन्हें मिलेंगे। इसी के लिए हम सड़क पे बैठे हैं, हमारे अध्यक्ष जी बैठे हुए हैं, जिम्मेदारान बैठे हुए हैं, ताकि संविधान की बालादस्ती कायम की जा सके और संविधान के मुताबिक हर एक को उसके राइट्स और हुकूक मालूम चले और उसको वो चीज उसको मिले जो संविधान हमें देता है। हम बाबा साहब को जिंदा करना चाहते हैं, उनके कलम को जिंदा करना चाहते हैं, उनकी रूह को मरने नहीं देंगे। ये शोषित और वंचित उठ खड़े हुए हैं जिनको जालिम नहीं रोक सकते हैं। पूरी ताकत के साथ थाना अपना काम करे, जजेस अपना काम करे, काले कोट वाले वकील भी अपना काम करे, बड़ी कुर्सियों पे बैठने वाले जिम्मेदारान मुल्क के मुख्यमंत्री हो, प्रदेश के मुख्यमंत्री या देश के प्रधानमंत्री, वो तमाम लोग आते हैं संविधान के नीचे, वो सर्वेंट हैं, गुलाम हैं संविधान के। इसलिए कहता हूँ कि इजाजत दी जाए वंचितों को, शोषितों को, इसलिए कि शोषित शोषकों से सवाल करना चाहते हैं, क्यों नहीं कर सकते हैं? आखिर क्यों पाबंदी है? वंचितों को क्यों सताया जा रहा है? जालिमों का जुल्म बढ़ता जा रहा है, इसलिए वंचित निकले हैं। पवन राव अम्बेडकर जी हमारे सामने मौजूद हैं, ये भी चाहते हैं कि किस तरह से दबे कुचले लोगों को उठा करके पटल पे लाया जाए, परमिशन दी जाए। हम शोषित लोग हैं, वंचित लोग हैं, मजलूम लोग हैं, हम जुल्म नहीं करते हैं, हम इंसाफ की भीख मांग रहे हैं। थाने के सामने खड़े हुए हैं, सड़क पे बैठे हुए हैं, हमें इंसाफ दे दीजिए। हम चंद लोगों को बताएंगे कि तमाम पॉलिटिकल पार्टियां अपनी जनसभाएं कर रहे हैं, हम चंद लोगों को इकट्ठा करेंगे और उनसे इंसाफ चाहते हैं कि हमें इंसाफ मिले। आप बोलेंगे भैया 500 लोग देख रहे हैं। बंद कर दो, नहीं चल चल ले, अंदर तक ले जाओगे? आप लोग देख सकते हैं माजिद हुसैन साहब जमीन पे बैठे हुए हैं, क्योंकि मेरठ का प्रशासन हमें परमिशन नहीं दे रहा है। माजिद साहब बैठे हुए हैं कि हम परमिशन आज लेके रहेंगे किसी भी हालात में। आप लोग देख सकते हैं कि माजिद साहब कैसे जमीन पे बैठे हुए हैं। मेरठ के जितने भी नौजवान हैं MIM से, सारे लोग नौचंदी थाना पे पहुंचे ज़्यादा से ज़्यादा तादाद में। देख सकते हैं आप, अंबेडकर साहब भी बैठे हुए हैं। हमारे प्रदेश अध्यक्ष शौकत अली
अंदर गए हुए हैं, अधिकारियों ने उनको बुलाया है। भाई साहब बोलेंगे, बोलिए हम लोग इलाहाबाद से, ओवैसी साहब की फौज में भी आए अपने बहुत दमदारी से, इलाहाबाद साहब बाकी अच्छा है, ठीक है प्रोग्रेस के हिसाब से। माजिद भाई, कौन सा